न्यायालय विक्रय विलेख के निष्पादन पर पद कार्यनिर्वत हो गया था। विराम उपर्युक्त निष्कर्षों को दृष्टिगत करते हुए आवेदक के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 28 के संबंध में अवलंब लिए गए विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता। विराम जहां तक निष्पादन न्यायालय द्वारा शेष प्रतिफल जमा करने के लिए समय दिए जाने के प्रक्रम पर निर्णीत ऋणी को समयांक सूचना न भेजने के संबंध में किए गए आक्षेप के आधार का संबंध है। इस पहलू पर मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए विचार किया जाना चाहिए। विराम विचारण न्यायालय ने विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित करते समय शेष प्रतिफल का संदाय किए जाने के लिए कोई अवधि नियत नहीं की थी। विराम यद्यपि यह सही है कि शेष प्रतिफल का ऐसा संदाय युक्तियुक्त अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, तथापि वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए उक्त पहलू अपना महत्व खो देता है। जहां यह पाया जाए कि आवेदक उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संविदा के विखंडन के अनुतोष के लिए हकदार नहीं है, विराम इसके अतिरिक्त शेष प्रतिफल के संदाय के लिए डिक्री में नियत किसी अवधि के अभाव में मामला ऐसी धनराशि को जमा करने के लिए विस्तृत समय दिए जाने के अंतर्गत आता है। विराम 4000 रुपए जमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रदर्श 7 तारीख 13 जनवरी 1997 को फाइल किया गया था और यह तारीख 24 जून 1999 को मंजूर किया गया था। विराम संदाय करने के लिए समय चाहने वाला आवेदन प्रदर्श 8 तारीख 13 अगस्त 1999 को फाइल किया गया था और यह उसी तारीख को मंजूर किया गया था। विराम यद्यपि यह दलील दी गई है कि तारीख 13 जनवरी 1997 का आदेश और तारीख 13 अगस्त 1999 का आदेश निर्णीत ऋणी को सूचना जारी किए बिना पारित किया गया था। विराम वाद के मूल प्रतिवादी द्वारा विरोध नहीं किया गया था और यह तारीख 24 जनवरी 1995 को डिक्री हुआ था। विराम इसके पश्चात निष्पादन कार्यवाहियां वर्ष 1996 में फाइल की गई थी। विराम यद्यपि शेष प्रतिफल तारीख 20 अगस्त 1999 को जमा किया गया था, तथापि न्यायालय द्वारा विक्रय विलेख तारीख 17 जनवरी 2009 को निष्पादित किया गया था और कब्जा अधिपत्र तारीख 13 नवंबर 2009 को निष्पादित किया गया था। विराम किसी भी समय पर मूल प्रतिवादी ने या पश्चातवर्ती क्रेता रतनमाला फोपारे ने सूचना की तामील न होने के संबंध में कोई शिकायत
नहीं की थी, वराम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय के समक्ष के आवेदक को वास्तविक क्रेता नहीं माना गया था और इसलिए यह अभी निर्धारित किया जाता है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संविदा के विखंडन के अनुतोष के लिए भी हकदार नहीं है। विराम इन तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए निष्पादन न्यायालय द्वारा शेष प्रतिफल को जमा करने के लिए समय मंजूर करने में अपनी पुनर्विलोकन अधिकारिता के प्रयोग में आवेदक के अनुरोध पर ठीक ही हस्तक्षेप नहीं किया गया है। विराम अतः न्यायालय उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में मामले में पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। विराम स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।